दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ जारी तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर रहे सरफराज खान ने मात्र 48 गेंदों में अपने हाफ सेंचुरी पूरा किया। उन्होंने 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 66 गेंद में कुल 62 रनों की पारी खेली। दोस्तों आपको बता दूं कि सरफराज खान टीम इंडिया में डेब्यू के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार का पल खत्म हुआ। वहीं ये जानकर आपको बेहद खुशी होगी कि सरफराज खान को भारत के महान स्पिनर अनिल कुंबले ने टेस्ट डेब्यू कैप पहनाया। और सुनिए अनिल कुंबले ने क्या बोला। Really proud of you, the way you have come through. I'm sure your dad and the family will be extremely proud of what you have been able to achieve. This is for you. All the best. Good luck. दोस्तों टेस्ट कैप मिलने के बाद सरफराज खान भावुक हो गए। इस दौरान उनके पिता भी स्टेडियम में मौजूद थे, जिसके बाद सरफराज खान दौड़कर अपने पिता के गले लग गए। दोस्तों ये खुशी के पल देखकर उनके पिता भी भावुक हो गए। वहीं जब सरफराज खान ने अपने पहले डेब्यू टेस्ट मैच में 50 लगाकर जब अपने बल्ले को लहराया तो स्टेडियम में बैठे उनके पिता के खुशी का ठिकाना ना रहा। दोस्तों सरफराज खान के डेब्यू के बाद उनके पिता ने उनसे क्या बोला, आइए सुनते हैं। दो गुजरने के लिए सूरज अपने ही समय पे निकलेगा, जब उसका टाइम आएगा, जो समय आएगा तभी वो काम होगा। अपना काम है मेहनत करना, सब्र करना और हिम्मत नहीं छोड़ना। बस के प्लेयर लोग मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं और हाथ वगैरह मिला रहे हैं, सब लोग आके मुझे मिल रहे हैं। बहुत प्राउड की बात होती है 125 करोड़ की आबादी में इंडिया के इस टीम में आना। मेरे से ज़्यादा मैं अपने अब्बू के लिए खुश हूँ। जिसके बाद टीम इंडिया के महान दिग्गज खिलाड़ियों ने सरफराज खान को बधाई दी और अपने गले लगाया। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, वैसे आप सरफराज खान के लिए क्या बोलना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। वहीं आपको बता दूं कि सरफराज खान अपने डेब्यू के बाद एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। सरफराज खान ने सबसे तेज 50 लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने 104 के स्ट्राइक रेट से मात्र 66 गेंदों में 62 रन की एक दमदार पारी खेली। दोस्तों दुर्भाग्य से सरफराज खान रविंद्र जडेजा के चलते रन आउट हो गए और वो अपने शतक से चूक गए। वैसे रोहित शर्मा ने सरफराज खान के पिता से क्या बोला, आइए सुनते हैं। सबको मालूम है आपका वो है और आपको भी बहुत बहुत मुबारक। सर बिल्कुल बिल्कुल।